दुनिया भर के स्पीकर है। कदम कदम का प्यार रखना पड़ रहा, फुक फुक के हाथ हो रही। ओए 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 ओए। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई साहब, आपको लग रहा होगा कि मैं भाई अपने घर हूँ। नए फ्रेंड्स, मैं अपने घर नहीं हूँ भाई, मैं आया हूँ कहाँ पर? हमारे मसूरी डासना गाजियाबाद। गाइस आप जानते होंगे। तो भैया फटाफट गाड़ी में से नीचे उतरते हैं मोंटी, और मैं आया हूँ बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। कबाड़ा पार्ट 2 काफी मजा आएगा आपको गाइस ये वीडियो देखकर। ये रही वो दुकान जहाँ पर आया है। तो ये है गुड्डू भाई, सिस्टम के डॉक्टर। डॉक्टर साहब टेम्पू रिपेयर कर रहे हैं, ठीक होने बाद हवा मिल जाएगा टेम्पू। भैया यहाँ पर स्पीकर ही स्पीकर है। अरे सारे खराब है। हाँ सारे खराब है। तो भाई खराब चीज रखी यहाँ पर। हाँ मैं हमारा स्पाइडर कौन, ये तो भाई पुराने जमाने का लग रहा है। हाँ इतनी सारी कोई, ये सारे स्पीकर रिपेयर को आए इतने भारी भारी। ये क्या लगा यार ग्लूगन? बोन टाइट है। अच्छा बोन टाइट है, मजबूती के लिए है ना काफी। कितना वाट में स्पीकर है? 1500 वाट में। बहुत संभाल कर रखना है वरना ये हिल जाएगा। कच्चा ही अभी है ना। स्पीकर है दुनिया भर के भाई। मैं भी सोच रहा हूँ कि मस्त सा स्पीकर लेकर जाऊँ। गाइस रोड पर दुकान है, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आएगी, प्लीज दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। वैसे गाइस जो आदमी होता है, जो इंसान होता है, कॉम्प्रोमाइज करते रहना पड़ता है। ये सबवूफर, ये सबवूफर है। इसमें ये वन चैनल का एम्पलीफायर। क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया? सर्किट में दिक्कत है, आने के सारे में दिक्कत है। आपने अभी तक 2 लेयर कोयल देखी होगी, गाइस ये 4 लेयर कोयल है, मतलब बहुत ही हैवी है। इस पर 4 लेयर लगी हुई है, यानी कि 4 बार ये लगाया गया है। इस पर जो वायर है ना कॉपर का वायर, गाइस वेट भी बहुत है यार। ये 2 लेयर है, ये काफी हल्की है, हल्की फुल्की सी। तो जो महंगे स्पीकर होते हैं ना, ज्यादा हाई फाई होते हैं, वाट के होते हैं, कॉस्टली होते हैं, उनमें लगती है 4 लेयर। जब तो भाई साउंड निकलते हैं मस्त बिल्कुल। स्पीकर को बांधने के लिए बोन टाइट का यूज किया जाता है। ना बोन टाइट ये था, सूखने वक्त लगा यार। 20 मिनट वाली जो मैंने लगाई। अच्छा 20 मिनट सूख जाती है? 20 मिनट पत्थर। ये बढ़िया 20 मिनट पत्थर जो हम लगा लो, खाली 24 घंटे में सूखा है। 24 घंटे वाला, ये 24 घंटे में सूखेगा। ये दोनों है ना 15-20 मिनट में सूख जाती है। स्पीकर को देखकर तो भाई अंदाजा लगा सकते हो। कौन घुसेगा यहाँ? कदम कदम का प्यार रखना पड़ रहा। अरे कहना क्या चाहते हो? फुक फुक के हाथ हो रही। ओए 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 आराम से। तो भैया से रख देते हैं, दुनिया भर के स्पीकर है। ये ले लेते हैं भाई। ओ मोंटी ले ले बत्तमी भाई, तो सारे गिर जाएंगे अगर निकाल लेना ये। ओ ओए बस 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 कैसे कैसे करके रहेंगे। मैं जिंदा लौट आया। तो गाइस हम जा रहे हैं इनका ऑपरेशन करने। लगता है ये पागल हो गया। काफी शौक है मुझे इन चीजों को खोलना। प्लीज दोस्तों फिर से कहूंगा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, थोड़ी ध्यान दीजिए। अब ठीक है आप बात कर सके। और वहाँ पे काफी भीड़ है, तो गाइस मैं थोड़ी सी साइलेंट जगह चला जाऊँ, सुकून भरी जिंदगी। तो भाई फटाफट चलते हैं इनको लेकर। A few moments later. तो गाइस एक प्रॉब्लम हो गई है, जाम कहते वो भी दुकान रोड पर ही थी, साउंड ज्यादा आ रहे थे रोड पर चलने के। भाई मैंने सोचा एक नया एक्सपीरियंस करते हैं आज गाड़ी के अंदर खोलते हैं, है ना, मतलब गाड़ी के अंदर इन्हें खोलेंगे, गाड़ी नहीं खोलेंगे। जो मैंने काम की चीज होगी वो मैं निकाल के अपने पास रख लूंगा, बाकी भाई हम दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंदर को मरिया फटाफट, गजब बेइज्जती है। गाने बंद कर दे यार, एसी को ऑफ कर दे फुल। तो भैया ये रहा पहला वाला। हमें यार अभी और मोटर चाहिए थे, तो भाई उनमें से मोटर नहीं निकला, तो मैंने सोचा थोड़े से और देख लेते हैं भाई कहीं से मिल जाए कुछ नई चीज। गाइस हम कबाड़ी हैं भाई, हम नई चीज की तलाश में रहते हैं हरदम, मतलब कहीं से मिले मिल जाए बस। भाई इसके अंदर क्या निकलेगा खजाना पार्ट 2 वाला। शायद जिन्होंने जाना पता नहीं कि हम कौन है, क्या क्या करते हैं मशीनों के साथ, मशीनों में चर्चा हमारे। एक बात तो पक्का भाई साहब, खुलने के बाद भाई साहब भी लगेगा नहीं, ऐसे ऐसे फेंकना पड़ेगा पन्नी सन्नी वाला पेट के बड़ा भैया। क्या मस्त और हैवी हीट सिंक हेलमेट है भाई, ये काफी काम की चीज है। तो भाई साहब ये चाहिए हमें, इसके अंदर का माल पानी। अच्छा भाई बिल्कुल नया लग रहा देखने में, बात है यार खोलना कितना क्या पता, लगाने कितना मुश्किल होगा यार, जब इतने स्क्रूज के अंदर लग रहे हैं नन्ने मुन्ने राही। तो भाई साहब हमें क्या चीज, एक रोलर, ये रोलर बहुत काम की चीज है, बहुत बढ़िया, कभी इसे प्रोजेक्ट में यूज करूंगा मैं। तो मैं फिलहाल इसे निकाल लेता हूँ, इसके ऊपर रबड़ लगी है, रोलर है, इसे रखते हैं। ये स्प्रिंग देख रहे हो, ये स्प्रिंग बहुत काम की चीज है। ये भाई ऐसे तो चीज है जो भाई मिलने की भी नहीं है आसानी से। तो भाई इसके अंदर है भी माल पानी, ये है भाई, तो ये चीज है, ये बहुत काम की चीज है, बिल्कुल बैलेंस बना कर रखता है। भाई मुझे पता होते है ना पहले कि मैं यहाँ रहूँ, तो भाई साहब मैं कुछ टूल लेकर आता, वैसे टूल यहाँ है लेकिन मैं इनसे गाइस मांग नहीं रहा हूँ टूल। अच्छा लगता है ना कि दूसरे बंदे से तुम टूल, टूल भाई मांगने नहीं चाहिए किसी से, है ना, वो बंदा काम कर रहा है पता ना, काम छोड़कर तुम्हें देगा टूल। स्प्रिंग में निकालना चाह रहा हूँ, निकल तो गई, मुझे ये वाला मोटर और ये वाला मोटर चाहिए, छोटा सा मोटर नन्ना सा, है ना। तो भैया मैं इसे फटाफट वाले निकाल लेता हूँ। एक चीज आपको गाइस अभी और दिखाऊंगा इसमें, जो कि बहुत ही मस्त चीज है। इनका खैर जमाना गया सीडी डीवीडी का, इसलिए भाई ये बिल्कुल बेकार पड़ा है। क्या मस्त स्प्रिंग है, और ऐसी भाई 3 स्प्रिंग है। ये लेंस है, इसके जमाना गया, सबका वक्त आता है, इसका वक्त चला गया। और भैया मैं ये वाला गियर चाहिए, बहुत काम की चीज है। तो भाई पहले गियर को निकाल लेते हैं, निकलेगा नहीं, फंस रहा है आई थिंक।
और ये जो पेच है ना छोटे छोटे मोटर के साथ लगे भाई से मिलते नहीं है तो हाथों इसमें लगा दो बहुत दिक्कत हो जाती है। अब आते हैं इस मोटर पर तो पेच कितना बढ़ा देते उन्होंने टुनटुने से तो भाई दो मोटर हम ले लेंगे, दो मोटर के चक्कर में हमने पूरा का पूरा खोल दिया। अरे रे रे एक बात और एक बार देखे गाइस क्या मस्त स्विच है, देखिए छोटा सा स्विच देखिए दब रहा है बड़े। तो भाई एक तरह का लिमिट स्विच है और भाई इसमें एक मोटर अंदर छुप रहा है। ससुर है तुझे भी निकाल लेंगे इधर आपको जरा। और ये मोटर काफी पावरफुल वाला मोटर है जो हमने निकाले दोनों से पावरफुल मोटर। ये रबड़ है रबड़ प्लास्टिक ना आए देख रहे ना, ये ऐसे मुड़ जाएगा यार। और तेरी काम कैसे कर रहा होगा ये? ऐसी करेगा बड़े इतनी जरूरत ना आने इतनी टोक की जरूरत ना यहाँ पे। भाई ने नानी दिला दी है। तो भाई ये रहा वो मोटर और आप इसका नंबर भी देख सकते हो मेड इन चाइना, काश मेड इन इंडिया लिखा होता। देख भाई ये भी रबड़ का गियर है, कमेंट करके बताएं कभी आपने लाइफ में देखा रबड़ का इस तरीके से गियर मुड़ जाता हो बिल्कुल ना, देख रहा जबकि ये काफी हार्ड है देखो ये नहीं मुड़ेगा, ये बिल्कुल नहीं मुड़ने वाला और भाई ये आराम से नहीं मुड़ रहा है। भाई इस मोटर को भी यहाँ रख देते हैं, इसे रखते हैं नीचे। अब लग रहा भाई जो बात है फैला हुआ था। ये रहा हमारा डीवीडी प्लेयर, ये कार्ड है, ये इसकी पावर सप्लाई है और ये भैया ट्रॉली है लेंस की, खोले तोड़े सही हो। तो गाइस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, एलन बोल्ट लग रहे हैं देख सकते हो और भैया इसमें हमारे काम का कुछ ज्यादा खास है नहीं, सेम वही मोटर है जो हमने निकाली है तो वही मोटर है। तो भाई इसमें से हम कुछ भी नहीं निकालेंगे, ऐसा ना अच्छा लगता है तोड़ना फोड़ना तो इसे ऐसे रहने देंगे, हमारा काम जो था वो इनसे हो जाएगा। तीन मोटर में मिल गए तिक्का दुक्का तिक्का और भैया स्प्रिंग कुछ रोलर ठीक है, इनके हमने स्क्रू ले लिए हैं तो इसे ऐसे रख देंगे और कोई पॉलिथिन ला के इस सामान को भरना पड़ेगा। तो भाई साहब मोन्टी भाई अपने जैसा थैला लेकर आए हैं तो भैया ये सब रख दे इसमें, अगर लगाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। भाई साहब चुपचाप रखा चुपचाप बताने के ना कितना खोल दिया भाई, पहले तो थाएगा बाड़ा अभी बचाएगा कुछ। वो भाई छोटे छोटे पेच है ना इनको भी रख लेंगे। ये लो भाई तोहफा, क्या करो इसका। ओबे भाई साहब देखिए गाइस एक बात और देखिए, इसमें डीवीडी सीडी नहीं लगती आई थिंक, इसमें जगह ही नहीं है ठीक है ना। तो भाई इसे और देखते हैं बाहर इसके अंदर क्या है ना। ये लो भाई एक और, अबे यार एक ही दे दे भाई पैसा तो मुहिना है कोई से दे दे, चलिए वाले ज्यादा कंडीशन लग रही खराब इसको ले लो। तो भाई ज्यादा टाइम ना करके मैं से फटाफट खोल लेता हूँ। भाई इसके अंदर काम की चीज देगा, ये है 12 वोल्ट का डीसी मोटर, इसमें भाई नई चीज मिली है पहले मुकाबले, ये कैसेट प्लेयर है भाई बहुत पुराना तो इस मोटर की आवश्यकता है बहुत, तो इस मोटर को निकालते हैं। बिल्कुल बेकार, ये तो भाई नई चीज मिली देख रहा हूँ, मतलब इतनी पुरानी हो गई है गल गई बिल्कुल है ना, रबड़ हो गई बिल्कुल। इसमें भी एक लिमिट स्विच लग रहा है, लिमिट स्विच ये गियर बढ़िया इसमें काम के। भाई गियर हैवी बहुत है, मतलब आज के जमाने में तो बहुत हल्के गियर आते हैं, ये गियर इस टाइप के हैं कि इस पे पुली भी है और गियर भी है, टू इन वन है। देखिए यहाँ से देखिए ये रहा गियर, ये रहा गियर, देखो भाई इसमें अटैच है पुली का सिस्टम भी, देखो ये पुली है। तो भाई इस पे रबड़ जो बेल्ट है ये चल रही है और जो कि ग्रीस बन चुकी है बिल्कुल, तो इसे रखते हैं संभाल के भी फिलहाल। इतने पेच लग रहे हैं सतरे, कितने पेच लग रहे हैं, दिमाग का कंटास निकाल दिया भाई। हुलगा 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 भाई निकल लिया, वैसे ठीक होंगे ये बात तो गारंटी है, मोटर तो आसने से मिल जाए इसके पेज ना मिलते। ये गुड्डू भाई बाहर जाग रहे हमारे, होगा ठीक ठीक था खराब हो गया, ठीक कभी नहीं लगाए। और पढ़िए दो चार सीए ले जाना, ना 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 बस बहुत। तो भैया हम आते हैं बड़े वाले मोटर पर निकालने पर, हाँ पुली लग रही है भाई साहब देखिए। भाई यहाँ के जो शॉपकीपर ना आपने कहा अभी देखे बहुत अच्छे हैं, हमसे कह रहे थे कि अभी और कुछ ला दूं, मतलब और ही बहुत सारे रखे कबाड़ा, तो कह रहे कि और ला दूं, मैं कहा ना भैया तुम तो ला दोगे यहाँ खोलने में अच्छी चीज आएगी, बहुत सारा कबाड़ फैल जाएगा। तो भाई ये मोटर है और ये 12 वोल्ट में है आई थिंक, और भैया इसमें से और हम कुछ नहीं निकालेंगे बस बहुत है, वरना गाइस निकालने को उसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन यार ज्यादा कबाड़ा से फैल जाएगा। लेकिन हम ये जो पेच है ना स्क्रू है इन्हें ले लेंगे, ओ भाई ये जो पुली है ना गियर क्या दो पुली क्या दो इन्हें भी रख लेंगे बस। भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो गाइस मैंने गाड़ी में ऑपरेशन कर दिया, हम घर से बाहर है लगभग 25 किलोमीटर करीब, घर से बाहर है, यहाँ पर आए थे किसी काम से दोस्त से मिलने, मोन्टे पे बोल रहे थे यहाँ के जानकार है तो इनसे मिल लेते हैं और हमारे सब्सक्राइब कुछ मिल भी जाएगा। अगर क्यों ना भाई काफी पुराने पुराने चीजें मिली जो गाइस देखने लायक थी, तो भैया अब फटाफट चलते हैं झोले को उनको देंगे। तो भैया ये रहा सामान, वो पत्ते रहेगी पत्ते रहेगी, ये भाई तो सीट भी फाड़ सके बस, ये रखते अंदर ही जल्दी रखते देख लेंगे वरना। देख तो लिया ये भाई उन्होंने देख लिया है पहले ओनर, तो हम कुछ गलत काम करते नहीं बॉस, हमने इजाजत लेगी क्या है कि भाई हम कुछ भी करें, करे कुछ भी करो तोड़ो फोड़ो मड़ोड़ो, हमने सब कुछ कर लिया जो मैं करना था। अब मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या चीज, ये इसका पैनल है, इसकी क्या क्या चीज निकाली है, मेरे हाथ देख सकते हो क्या मस्त हो गए काले काले। तो भैया दिखाता हूँ मैं आपको, पहले यहाँ मैं थोड़ा सा कपड़ा बिछा लेता हूँ। एक भैया डीसी मोटर, दो भाई पुली और कुछ मोटर मैंने और निकाले छोटे मोटे से, देखिए ये मोटर है और भाई ये कुछ स्क्रू कुछ स्प्रिंग कुछ गियर, हाँ एक मोटर यार कहाँ तक मुंह छुपाएगा। ये पुराने समय का निकला हुआ, पुराने समय का देखा ना गाइस, जैसे कोई कैसेट होती है ना उसे चलाता था, तो भाई यही मोटर इसमें लग रहा है और यही मोटर सेम इसमें लग रहा है जो आपका है सीडी वाला है ना, वैसे आपका नहीं, ये भी काफी पुराना है जो बात है, क्योंकि कैसेट के बाद ही सीडी प्लेयर आया था, दो चार पांच साल का फर्क है इन दोनों में, ये बुजुर्ग है ये लोंडा है इसका जवान है। तो भैया ये चीज थी बस, तो गाइस काफी लंबा ब्लॉग हो गया है और भैया आप गाड़ी बैठते हैं भाई, सीधी जिस काम से आए थे उस काम को जाता हूं मैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, कुछ मैंने फ्रेंड्स कोशिश की आपको कुछ यूनिक दिखाने की,
तो फ्रेंड्स वही टाइम हमारा आ गया है अलविदा कहने का आपसे। तो भाई मुझे यकीन है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भाई जल्दी मिलते हैं कल 9 बजे। जुड़े रहे, कमेंट नहीं करते प्लीज दोस्तों, कमेंट करके बताएं ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं।